Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. आइए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि सर कॉम्प्लीमेंट्री का लगता है क्वेश्चन आ रहा है। 63 प्लस 27 अगर करते हैं हम, है ना, तो 90 मिलता है, और यहाँ भी 17 प्लस 73 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। ये पूरे चांस है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, आप अच्छे समझ रहे हो इस बात को। तो हम यहाँ से ये बात करें कि हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर 63 अब प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 तो कर ही सकते हैं। अगर इसको चेंज करना होगा तो 90 माइनस कितना करेंगे, है ना, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अगर इसको चेंज करेंगे तो 17 लिखना होगा। अब आप देखें तो साइन स्क्वायर 63 अब प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना, तो कॉस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 17। ओके, ये 17 है। आप बच्चों यहां से देख पाए तो आप जानते हैं कि हमने अभी तुरंत फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, है ना। तो आप देख पाए तो यहाँ एंगल भी सेम है, दोनों पे स्क्वायर भी है, यहाँ भी एंगल सेम है, दोनों पे स्क्वायर है, तो 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1/1, ब्रैकेट में आप लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस कारण से इसका आंसर हमको कितना मिलेगा भाई, 1 मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। आइए, सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, यहां भी आप देखें तो 65 और 25 मिलकर के क्या बनाता है, 90 डिग्री, और 25 और 65 तो सेम ही तो बात है ना, कुछ अंतर तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ किसी को चेंज कर दिए, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करें, तो साइन को अगर चेंज करते हैं तो आप लिखेंगे साइन 90 माइनस 65 और इधर क्या हो जाएगा, कॉस 65 अब प्लस, इधर भी किसी को आप चेंज कर दिए, कॉस को ही चेंज कर दिए, तो कॉस 90 माइनस 65 और इंटू साइन 65 होगा ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस यहां क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 65 इंटू साइन 65। अब आप देखें तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 65 और प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 65 होगा ना। अब आप देख रहे हैं कॉस और साइन स्क्वायर में एंगल भी सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है। इस बात को हम लोग सब लोग समझते हैं, समझ गए। थर्ड क्वेश्चन ये था, फोर्थ भी आपको इसी में मिल जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। ओके, मिलते हैं।